please put your hands together and welcome with a big round of applause, Shri Rajesh Badal ji. धन्यवाद प्रोफेसर वापट और इस MIT कैंपस के MIT परिवार को, श्रद्धेय विश्वनाथ कराड़ जी को और भाई राहुल कराड़ जी को आभार। उन्होंने इतना शानदार प्रतीक रचा है, गढ़ा है पुणे में कि दुनिया भर में ये शांति, सद्भाव, सत्य और सत्य के आग्रह का संदेश देता रहेगा। इसलिए मैं एक बार फिर आभार प्रकट करता हूँ। मित्रों, महात्मा गांधी के जन्म का ये 150वां साल है और महात्मा गांधी और पुणे का जो रिश्ता है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, महात्मा, जब हम 2019 में सितंबर में खड़े हैं तो ठीक 100 वर्ष पहले महात्मा गांधी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पारित किया था। तो पिछले साल से महात्मा गांधी की याद में देश भर में ये कार्यक्रम हो रहे हैं। तो मैंने भी ये सोचा था कि मैं आप लोगों से संवाद करूंगा, तो पूरे साल में जहाँ जहाँ भी, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ में, विश्वविद्यालयों में गया हूँ, हिंदी में ही संवाद किया है। अगर किसी को समझ में नहीं आए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि मैं संतुष्ट कर पाऊँ। सत्य के साथ आग्रह, जब हम बात करते हैं सेल्फ रेगुलेशन यानी एक तरह के कोड ऑफ कंडक्ट या आचरण संहिता की, मैं आपको बताऊं, ठीक 100 साल पहले महात्मा गांधी ने कोड ऑफ सेल्फ रेगुलेशन की जो परिभाषा सत्याग्रह के वक्त दी थी, आपको याद होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके बाद सत्याग्रह का प्रकाशन महात्मा गांधी ने किया था। और उस दौर में अंग्रेज़, ये आवश्यक था कि अंग्रेज़ों से परमिशन ली जाए और कंटेंट की भी परमिशन ली जाए, क्या छापना है क्या नहीं छापना है। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रकाशन किया और उसमें लिखा कि इस अखबार का प्रकाशन तब तक होता रहेगा जब तक कि ये एक्ट, ये कानून वापस नहीं लिया जाता। आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा सच के साथ साहस महात्मा गांधी का जो था, कोई दूसरा हिंदुस्तान में नहीं हुआ था उस वक्त तक। सेल्फ रेगुलेशन को लेके महात्मा गांधी ने, देखिए, 100 वर्ष पहले लिखा है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। समाचार पत्र एक जबरदस्त ताकत है, निरंकुश प्रवाह गांव के गांव डुबो देता है, पानी का जो निरंकुश प्रवाह है। लेकिन कलम अगर निरंकुश हो जाए तो वो विनाश की सृष्टि करता है। यदि अंकुश बाहर से आता है तो वो निरंकुशता से भी अधिक जहरीला है। अंकुश अंदर का ही लाभदायक होना चाहिए, यानी कोई भी रेगुलेशन हो, नियंत्रण हो, वो अगर हम मीडिया के लोग करें तो बेहतर है। हम लोगों ने जब पत्रकारिता शुरू की थी तब हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था, लेकिन ये आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि MIT कैंपस में आपको इस कैंपस के ज़रिए अपने विचारों की रीढ़ मजबूत करने का अवसर मिल रहा है। तो आपको महात्मा गांधी की तरह वो मजबूती ये कैंपस देगा कि आपको किसी किस्म की आचार संहिता की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे याद आता है जब हम लोग 1977 में पहला चुनाव कवर कर रहे थे तो उस समय भारत सरकार ने एक आचार संहिता अखबारों के लिए लागू की थी। उस समय टेलीविज़न नहीं आया था उस तरह से, और उसमें, उस आचार संहिता में ये कहा गया था कि लोग, पत्रकार, संपादक किस तरह से अपने अखबारों में उस आचार संहिता का पालन करेंगे। 1983 में जगन्नाथ मिश्र ने बिहार प्रेस बिल लगाया था, शुरू किया था, और हम लोगों ने देश भर में उसके विरोध में आंदोलन किया था। 1987 में राजीव गांधी की सरकार ने मानहानि विधेयक लाया था,
और हम लोगों ने उसके विरोध में आंदोलन किया था। सरकारों को ये अपने फैसले वापस लेना पड़े। मैं ये मानता हूं कि आज का दौर एक बार इस ऐसे एक ये ट्रांजिशनल फेज है, संक्रमण काल है, और संक्रमण काल में हमारे लिए जिम्मेदारी और चुनौती बढ़ जा रही है। क्यों? क्योंकि कोई सरकार ये नहीं चाहेगी कि मीडिया उस पर नियंत्रण करे। हम नियंत्रण करना भी नहीं चाहते, लेकिन हम वो कहना चाहते हैं जो लोगों के हक की बात है, जो सच्चाई की बात है, जो महात्मा गांधी कहते थे सच के आग्रह की बात है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि कोई सरकार अपने पर अपनी आलोचना पसंद नहीं करती। तो जिस दिन अगर कोई सरकार आचार संहिता, कोई रेगुलेशन बनाएगी, उस दिन सारा मीडिया हिंदुस्तान का मुश्किल में आ जाएगा। तो आना तो अंदर से ही है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि 100 बरस पहले गांधी जी ने भी एक आचार संहिता की बात की थी, 42 साल पहले भी एक आचार संहिता की बात हुई, 25 साल पहले भी आचार संहिता की बात हुई। तो हम लोग आचार संहिता बना नहीं रहे हैं और सरकार को बनाने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो ठीक नहीं है। ये हमारे अंदर झांकने की बात है। मैं तो इस बात को आदर्श मानूंगा कि क्या ही बात हो कि किसी किस्म की आचार संहिता की रेगुलेशन की हमें ज़रूरत ना पड़े। और इसके लिए मुझे हमेशा से पिछले 42 वर्षों में आज़ादी से पहले क्रांतिकारियों का और पत्रकारों का एक सूत्र वाक्य एक पोएट्री की शक्ल में याद आता है। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। वो पत्रकार, वो संपादक अपने आप में इतनी ताकत रखते थे, वो कहते थे, इश्क का नगमा जुनू के साज पे गाते हैं हम, इश्क का नगमा जुनू के साज पे गाते हैं हम, अपने गम की आग से पत्थर को पिघलाते हैं हम। और अपने गम की आग से पत्थर को पिघलाते हैं हम, जाग उठते हैं तो सूली पर भी नींद आती नहीं, और वक्त आ जाए तो अंगारों पे सो जाते हैं हम। धन्यवाद। थैंक यू सर।